मैंने जब कैंडल के लिए मैंने साहिबा मैम से कांटेक्ट किया था फर्स्टली, तो उनसे मैंने पूछा था कि क्लासेस कैसे होंगे, तो उन्होंने बताया कि दो कोर्स अवेलेबल है, एडवांस एज वेल एज फाउंडेशन. एंड मेरा सोल पर्पस था कि मुझे खुद का वेंचर स्टार्ट करना है, सो सी एडवाइज्ड कि आप दोनों करो, एडवांस भी एंड बिगिनर्स भी. सो आई वॉज कंफ्यूज कि एक साथ दोनों करना चाहिए या नहीं. सो मैंने उनको बोला मैं पहले एक दो क्लासेस फाउंडेशन की लूंगी, इफ आई फाइंड कि हाँ मैम बहुत अच्छा करवा रहे हैं, देन ओनली आई विल गो फॉर एडवांस, अदरवाइज नॉट. बट द इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ आई वाज सो इम्प्रेस्ड द वे यू टीच अस, सो आई जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आई कॉल्ड साहिबा मैम एंड टोल्ड दैट आई एम पेइंग द रेस्ट ऑफ द अमाउंट फॉर द एडवांस कोर्सेस बिकॉज़ आई वांट टू लर्न दिस. एंड चंग कैंडल्स, एम्बेडेड कैंडल्स, ऑल दिस कैंडल्स जब हम ऑनलाइन देखते हैं, सो आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे उसमें एम्बेड करते हैं, चंक्स कैसे आ रहे हैं. बट द वे यू टॉट अस इट्स लाइक कि अगर मैं मुझे सॉलिड कैंडल बनाना हो देन आई वुड मोर प्रीफर चंक्स एंड एम्बेडेड देन सॉलिड वंस. वो इतना ईजी हो गया समझना मेरे लिए. सो इट वॉज रियली एन इम्प्रेसिव एंड अमेजिंग क्लास. Yes, ma'am. Actually, as I told you before, I was making candles at home. But मेरी candles है ma'am, मुझे depression आ रहा था, candles में finishing नहीं आ रही थी, and it was not looking good to sell. कोई खरीद नहीं रहा था, nobody was interested. बट आफ्टर अटेंडिंग योर क्लास लाइक मुझे काफ़ी डिटेल्स पता चली और कैसे फिनिशिंग करना है वो सब. इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ ब्यूटिफुल नॉलेज ऑफ कैंडल्स. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू अबाउट दैट वन. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मैम एंड साहिबा फॉर गाइडिंग मी ऑफ कोर्स एंड मैम फॉर गिविंग अस एन इन डेप्थ क्लास ऑफ कैंडल मेकिंग. As I had explained earlier also to Saiba that I wanted to join only because of soya wax, because that was the area where I was finding it very difficult. But then maybe I haven't purchased the correct one, or you know, I need more understanding on that wax. And the classes have been excellent. There's been a lot of in-depth where I didn't know embedded candles would be so beautiful. So that was one class which I liked, and of course the way ma'am explained that log candle, you know, just by putting those rings at the end. So it was something like usually you see it in the market and you think the entire candle is made like that. So there were a lot of shortcuts, there were a lot of tips which ma'am had shared, which is definitely going to help me because I do want to venture out in this field and take it up. Earlier it was a hobby, now I just want to take it up as complete like my own. So thank you for the lovely classes, ma'am, and for all whatever you have taught till date.